अनूठी अनूठी धुरी है ओके जहां बहाये चैप्टर देखना चाहिए एंड काम जो एमसीक्यू क्वेश्चंस यू टोल्ड टू प्रिपेयर एंड यस प्रिपेयर यस मैम यस ओके सो मुझे सेंड करना चाहिए व्हाट्सएप में ओके ओके मैम वो एमसीक्यू क्वेश्चन लेट मी चेक अदरवाइज वी डिडंट गेट टाइम टू डिस्कस इट ओके देखिए सबसे पहले जहां पहिया है चैप्टर आपको पता है ना कैसे हमारा चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा शब्दार्थ में कैसे के फर्स्ट क्वेश्चन वेलकम कैसे प्रश्न पूछा है फ्रॉम शब्दार्थ सेशन हियर आमीन्स आई विल टेल कौशल शब्द का अर्थ क्या है और कौशल का शब्दार्थ क्या है द आंसर इज निपुणता निपुणता ओके स्वाधीनता शब्द का अर्थ क्या है आजाद ऑप्शन था ना एमसीक्यू ना सो एमसीक्यू ऑप्शन फिल कीजिए करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना चाहिए लाइक गूगल फॉर्म से एग्जाम ओके ओके मैम ओके मैम ओके सो एक और बात देखिए बच्चों शब्दार्थ जंजीर बंधन अजीबो गरीब विचित्र स्वाधीनता आजादी गतिशीलता आगे बढ़ना कौशल निपुणता क्या है कौशल स्किलफुल किल ओके फप्तियाम मजाक उड़ाना तराशने सुंदर रूप देना हक्का बक्का हैरान इसमें एवरी वर्ड का मीनिंग पता है बंधन माने क्या है जंजीर बंधन माने मैम लॉकिंग लॉक्ड बंधन एक तरह का बंधन बंधन इट्स अ मलयालम वर्ड अजीबो गरीब विचित्र क्या है मैम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंज एंड स्वाधीनता आजादी मैम फ्रीडम गतिशीलता आगे बढ़ना मूविंग फॉरवर्ड गो फॉरवर्ड कौशल निपुणता किल किल पापियां मजाक उड़ाना तराशने सुंदर रूप देना सुंदर शेप देना ब्यूटीफुल शेप एंड ऑल देना हक्का बक्का हैरान माने मैम सरप्राइज सरप्राइज वेरी गुड सरप्राइज हक्का बक्का हैरान सरप्राइज ओके एंड क्वेश्चन आंसर में कोई डाउट है तो पूछना चाहिए बच्चों क्लास फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज फर्स्ट क्वेश्चन साइकिल आंदोलन से पुदुकोटे की महिलाओं के जीवन में कौन से बदलाव आए महिलाओं में आत्मसम्मान की भावना जागृत वी ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चन आंसर्स हैंडल राइट महिलाओं में आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई क्या है आत्मसम्मान सेल्फ रेस्पेक्ट महिलाओं के आय में वृद्धि हुई महिलाओं के आय माने सैलरी या इनकम में वृद्धि हो गई वृद्धि होना माने इंक्रीज हो गई अब महिलाओं के समय की बचत हो जाती थी समय की बचत टाइम सेव करना जिससे वे सामान बेचने पर ध्यान केंद्रित कर तो बच्चों महिलाओं को बहुत सारे टाइम एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो सामान बेचने के लिए उनका सामान बेचना माने उनका थिंग्स राइट उनका वो सामान बेचने के लिए ध्यान केंद्र करना माने मोर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं उन्हें आराम करने का भी समय मिल जाता है रेस्ट करने के लिए भी टाइम मिल जाता है यदि उनके पास साइकिल नहीं है तो उनको आराम करने के लिए समय मिलेगा नहीं ओ मैम नहीं मिलेगा लास्ट पॉइंट साइकिल से घरेलू कार्यों को भी सुचारू रूप में करने में महिलाएं सक्षम हो गई जैसे घरेलू सामान लाना बच्चों की देखभाल और पानी भरना आदि सबसे बड़ी बात वे साइकिल को अपनी आजादी का प्रतीक मानते बच्चों ये क्वेश्चन एंड इसका आंसर वन टाइम रीड करो आई विल आस्क एमसीक्यू क्वेश्चंस फ्रॉम दिस फर्स्ट क्वेश्चन रीड करना चाहिए रीड करो मैम घरेलू मीन्स हमारा क्या है हाउसहोल्ड ना डोमेस्टिक ओके मैम
ओके बच्चों, साइकिल से महिलाओं के आय में ढाश हुई, विद्युत उन्हें डैश करने के लिए भी समय मिल जाता है आराम करने के लिए। बच्चों लिसन केयरफुली, हमारे हम ऑप्शंस विल बी इधर, सो मे बी डोंट मेक कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, ओके? ऑप्शंस में भी ऑलमोस्ट सेम, तो आराम वो सेलेक्ट करना चाहिए, आराम करने का भी समय मिल जाए। देन ये साइकिल डैश का प्रतीक मानती है आजादी, आजादी। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महिलाओं ने डैश को आजादी का प्रतीक मानती है। आंसर, हम साइकिल, साइकिल को, साइकिल। महिलाओं ने डैश को आजादी का प्रतीक मानती है, किसको? साइकिल। महिलाओं में डैश की भावना जागृत हुई, आत्मसम्मान। इस प्रकार प्रश्न पूछेगा। एनीवे हमारा एग्जाम इज नॉट रिटर्न एग्जाम, राइट? नॉट रिटर्न एग्जाम, एमसीक्यू है। तो किस प्रकार प्रश्न आएगा वो देखना चाहिए, ओके? तो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो बच्चों, कोई डाउट है तो पूछना चाहिए। नो राइट? नो मैम। सेकेंड क्वेश्चन, सुचारू इजिली विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, इजी। सेकेंड क्वेश्चन, प्रारंभ में साइकिल आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? प्रारंभ में साइकिल आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा, बाधा माने बैरियर आ गई। प्रारंभ में इस साइकिल आंदोलन को चलाने में महिलाओं को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लोग उन पर गंदी गंदी टिप्पणियां कसते थे, लेकिन महिलाएं बिना किसी की परवाह किए आगे बढ़े, निरंतर आगे बढ़े। करो बच्चों सेकेंड क्वेश्चन, ओके वन क्वेश्चन, लोगों ने महिलाओं पर डैश टिप्पणियां कसते थे, गंदी 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 टिप्पणियां, इस तरह डैश बिना किसी की परवाह किए निरंतर आगे बढ़े महिलाएं, महिलाएं डैश में साइकिल आंदोलन को चलाने में महिलाओं को कठिनाइयां आ गई प्रारंभ में, ओके इस प्रकार देखना चाहिए क्वेश्चन। मैम प्रारंभ मींस स्टार्टिंग स्टार्टिंग स्टार्टिंग, कोई डाउट है तो पूछिए बच्चों। थर्ड क्वेश्चन देखिए, साइकिल चलाना सीखने में कौन कौन सी महिलाएं आगे आई? खेतीहर मजदूर, पत्थर तोड़ने वाली स्त्रियां, नर्स, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता, पत्थरों को तराशने वाली महिलाएं, अध्यापिकाएं, ग्राम सेविकाएं और दोपहर के भोजन पहुंचने वाली स्त्रियां साइकिल चलाने में आगे आई। तो यह हम हर एक स्त्रियों के बारे में जानना चाहिए, खेती हर मजदूर, पत्थर तोड़ने वाली स्त्रियां, नर्स, ऑर्डर है ना, वो ऑर्डर में पढ़िए, ओके? तो इन बिटवीन वो मिस नहीं करेगा। रीड द सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन, देन एक एक और बार देखना चाहिए बच्चों, जहां पर ही आई किसने लिखा है वो भी देखना चाहिए। साईनाथ, देन लाइक दैट कामचोर आल्सो, हु मींस हु इज द ऑथर, रचयिता कौन है वो भी देखना चाहिए, देन चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का और ऑथर कौन है वो भी देखना चाहिए। ओके मैम, मैम मैम पत्थरों को तराशने वाली महिलाएं मींस मींस पत्थर को सुंदर शेप देने वाली महिलाएं, सुंदर रूप, डिफरेंट स्टोन को, स्टोन को डिफरेंट शेप देने वाले महिलाएं, okay, यहाँ हमने मीनिंग में देखा, राइट? तराशने वाले मीन सुंदर रूप, सुंदर रूप थे, ओके। कोई डाउट है तो पूछिए।
मैम गेतिहर मजदूर मीन्स गेतिहर मीन्स फील्ड में काम करने वाले किसान लोग फीमेल किसान बालवाड़ी और आंगनवाड़ी आपको पता है राइट आंगनवाड़ी बालवाड़ी किंडर गार्डन है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मीन्स वहां के वर्कर्स सर्वेंट्स वहां के कार्यकर्ता ओके एनी डाउट नो मैम ओके वी कैन मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन देखिए डाउट है तो पूछना चाहिए फोर्थ क्वेश्चन आपके विचार से लेखक ने इस पार्ट का नाम क्यों जहां पहिया रखा होगा क्यों क्यों हमारा चैप्टर का नाम जहां पहिया है लेख पार्ट का शीर्ष जहां पहिया है रखना पूर्णतः उचित है ये एक जनरल क्वेश्चन ठीक है क्योंकि पहिए गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है प्लीज नोट द सेंटेंस डैश गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है पहिए पहिए जब पुदुकोटई में महिलाओं द्वारा साइकिल आंदोलन चला था उनका जीवन भी गतिशील हो गया तो पुदुकोटई में महिलाओं द्वारा साइकिल आंदोलन चला तो उनका जीवन डैश हो गया गतिशील हो गया गतिशील हो गया उनका जीवन की गति बढ़ गई स्पीड बढ़ गई वे डैश को तोड़ दिया बंधनों को वे मीन्स वो क्या है पुदुकोटई की महिलाओं ने डैश को तोड़ दिया बंधनों को तोड़ दिया तो इस प्रकार उनमें आत्मसम्मान सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना जागृत हो देखना चाहिए बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर एंड क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए साइकिल में महिलाओं को आत्मनिर्भर क्या है आत्मनिर्भर महिलाओं को डैश बनाया आत्मनिर्भर एक बात करना चाहिए बच्चों ऑप्शन देखना चाहिए ऑप्शन के अनुसार लिखना चाहिए क्योंकि ये आत्मसम्मान आत्मनिर्भर देन वन मोर इज देयर आत्मविश्वास ये तीनों महिलाओं में पट गई लेकिन क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्या है आप ऑप्शन देखना चाहिए ऑप्शन देखकर आंसर सेलेक्ट करना एनी वन विल बी द ओके आत्मसम्मान है आत्म मीन आत्मसम्मान है देन आत्मनिर्भर है आत्मविश्वास है ये तीनों महिलाओं में वृद्धि हो मीन बढ़ गई सो द ऑप्शन देखना चाहिए ऑप्शन देखकर आंसर सेलेक्ट करना चाहिए ओके एनी वन विल बी द साइकिल ने महिलाओं को आत्मनिर्भर कैसे बनाया महिलाओं का मानना है कि साइकिल चलाने में उनमें आत्मनिर्भरता का विकास हो अब उन्हें अपने कार्यों को डैश पर निर्भर नहीं रहना पड़ता अपने महिलाओं को अपने कार्य करने के लिए डैश पर निर्भर नहीं रहना पड़ता पुरुषों तो ऑप्शन विल बी द पुरुषों बच्चों इस प्रकार कुछ ऑप्शन विल बी द एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पानी भरना सामान ढोना ये सारे कार्य आसानी से साइकिल द्वारा कर लेते मैम आसानी मीन्स इजीली इजीली दिस वन यू आस्क फिफ्थ वन और लास्ट क्वेश्चन प्रार्थना मैम लास्ट क्वेश्चन वी विल देख ओके मैम तो लास्ट सेंटेंस देखिए बच्चों एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पानी भरना सामान ढोना ये सारे कार्य आसानी से डैश द्वारा कर लेती है साइकिल द्वारा इस प्रकार देखना चाहिए हर एक क्वेश्चन हर एक लाइन रीड करो बच्चे कोई डाउट है तो पूछिए कोई वर्ड में डाउट है तो पूछिए Ma'am, ma'am, more than textbook, we have to give more importance to notes. Notes you give important. Because okay. Almost all the points are there in the notes. Okay. The last question, dekhi bachcho. Khushhal jeevan ke liye, this one right, Pratana? Yes, ma'am. Khushhal jeevan ke liye, aatmanirbhar hona anivarya hai, kyun? Khushhal jeevan means happy life. Happy life ke liye, self-depend hona important
क्यों? एक हैप्पी लाइफ के लिए हम सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, क्यों? अनिवार्य है, मीन्स आवश्यकता है, क्यों? द आंसर इज आत्मनिर्भर या सेल्फ डिपेंडेंट, इसका अर्थ है स्वयं पर निर्भर हो, अर्थात किसी भी कार्य करने के लिए अपने आप में क्षमता, क्षमता माने एबिलिटी। तो हम हमारे मन में या हमारे क्या है हमारे शरीर में या हमारे मन में किसी भी कार्य करने के लिए एक क्षमता, कल्व या एबिलिटी होनी चाहिए। जहां पहिया चैप्टर में क्या है, जहां पहिया पार्ट में यह दर्शाया, दर्शाया माने दर्शाते हैं, दर्शाया मीन्स शो, शो कि स्त्रियों ने जब साइकिल चलाना सीख लिया, when they learn cycling means cycle चलाना, when they learn तो अपने आप स्वतंत्र, वो depend हो सॉरी वो independent means वो फ्रीडम मिल गया, स्वतंत्र हो गया, खुशहाल हैप्पी एवं आत्मनिर्भर या सेल्फ डिपेंड समझने लगे। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस इन आवर लाइफ, खुशहाल जीवन के लिए, कि हैप्पी लाइफ के लिए आत्मनिर्भर होना अनिवार्य, क्यों? क्योंकि यदि हम सेल्फ डिपेंड है तो क्या है, हम किसी पर निर्भर डिपेंड नहीं करना पड़ता, तो हमारे मन में क्या है एक तरह हमको फ्रीडम मिलेगा, सेल्फ डिपेंड हो सकता है हमारा। जहां पर यह चैप्टर में कब हमारे औरतें या महिलाएं सेल्फ डिपेंड हो गई, कब? मैम साइकिल चला, साइकिल चलाने पर। तो यह है सिक्स्थ क्वेश्चन, नाउ ओके प्रार्थना। Yes, ma'am. Ma'am, I was having doubt in the last gushal evam atmanirbhar samaj. Gushal means happy okay. Life, happy condition. Atmanirbhar means self-dependent. Samajhne lagi. Okay. Means wo striyon ne samajhne lagi, ve happy hai, ve self-dependent hai. Okay. Okay, ma'am. Ek read karo bacho, sixth class. हर एक लाइन देखना चाहिए, हर एक लाइन से प्रश्न पूछेगा। टोटल वी हैव थ्री चैप्टर्स, तो 20 क्वेश्चंस, तो 7 or 6 क्वेश्चंस ईच फ्रॉम ईच चैप्टर, 7 or 6 क्वेश्चंस विल बी द फ्रॉम ईच। कोई डाउट है हमारा जहां पर है चैप्टर में? Any question, meaning, any doubt? No, ma'am. हमारा MCQ आपने प्रिपेयर किया तो मुझे सेंड करना चाहिए, लेट मी चेक। ओके, लेकिन नेक्स्ट हमारा लास्ट चैप्टर है कामचो। किसने लिखा है ये चैप्टर कामचो? मैम इस्मत चुगताई। इस्मत चुगताई, सो इस्मत चुगताई वो नाम आपके मन में रखिए, ओके? देन ये मीनिंग्स देखना चाहिए। चबघान, मेहनत करके, हिलकर मेहनत करके। तनख्वाह, वेतन, सैलरी, वेजेस। मजाल, हिम्मत, करेज। कामदानी, हाथ के काम। वाद विवाद, तर्क वितर्क। क्या है तर्क वितर्क? डिबेट। मिसाल, उदाहरण, एग्जाम्पल। अट गया, सन गया मींस कवर्ड। वेदम, सांस लेना मुश्किल होना, मींस ब्रीथिंग के लिए डिफिकल्ट आना, ओके? वो वेदम। रीड करो बच्चे, कोई डाउट है तो पूछिए एनी वर्ड में। व्हाट इज तन्वा? तनख्वाह, वेजस, वेतन, वेजस। मैम कामदानी। कामदानी मींस हाथ के काम का, मींस हाथ के, हाथ द्वारा किए गए काम, कई गुंडे चेंज हो गए हाथ के काम, कामदानी। मैम अट गया। अट गया मींस सन गया कवर्ड,
पूरा शरीर में कवर्ड लाइक दैट अट गया सन गए. कोई डाउट नहीं है तो वी कैन मूव टू द क्वेश्चन. ओके मैम. रेडी? यस मैम. यस मैम. देखिए कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किन के बारे में और क्यों कहा गया. मोटे मोटे किस काम के हैं, ये किसके बारे में कहा गया. आंसर बच्चों के फर्स्ट क्वेश्चन. मोटे मोटे किस काम के हैं, ये किसके बारे में कहा है. आंसर इज बच्चों के कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किन के बारे में क्यों कहा गया है. कहानी में मोटे मोटे किस काम के, घर के बच्चों के लिए कहा गया है, क्योंकि उनके माता पिता को लगता है वो केवल नौकरों पर हुक्म चलाते हैं. हुक्म मीन्स ऑर्डर. Okay. और घा पीकर आराम करते हैं, घर का कोई काम नहीं करता. तो पहला क्वेश्चन है मोटे मोटे किस काम के है, डैश के लिए कहा गया है. घर के बच्चों के लिए. माता पिता को लगता है कि वो बच्चे केवल डैश पर हुक्म चलाते हैं. नौकरों पर. माता पिता को लगता है बच्चे केवल नौकरों पर डैश चलाते हैं. इस प्रकार देखना चाहिए. डैश घर का कोई काम नहीं करते. बच्चे. ओके इस प्रकार पहला क्वेश्चन रीड करो. एमसीक्यू क्वेश्चन इस प्रकार पूछ वो. सेकंड क्वेश्चन, हिलकर पानी नहीं पीते का आशय क्या है. द सेम आंसर, परिश्रम करके कोई कार्य नहीं करते. सेम इस प्रकार आएगा ऑप्शन. परिश्रम करके कोई कार्य नहीं करते, परिश्रम करके कोई भी कार्य करना इस प्रकार. ओके कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, अच्छी तरह पढ़कर. मैम वी हैव टू राइट परिश्रम करके कोई कार्य नहीं करते. नहीं करता इस प्रकार मींस ऑप्शन विल बी द ऑप्शन. किस प्रकार है उसी प्रकार सेलेक्ट करना चाहिए. मींस गूगल फॉर्म्स रे. You are only selecting the answer. No, ma'am. If it is करके परिश्रम करके कोई काम नहीं करते, कोई काम नहीं करूंगे, like that, you know. No, no. This is the answer. परिश्रम करके, परिश्रम word होनी चाहिए. Okay. परिश्रम करके कोई कार्य नहीं करते. This is the answer. इसके अलावा कोई answer है तो वो wrong है. Okay, ma'am. Okay. Because खिलकर means परिश्रम करना. खिलकर पानी पीते means परिश्रम करके पानी पीना. और कोई कुछ काम करना. ओके मैम, सो वी हैव टू क्लिक द ऑप्शन व्हिच हैज दैट वर्ड परिश्रम करके. परिश्रम करके. यस. रीड द फर्स्ट टू क्वेश्चंस. कोई डाउट है तो पूछिए. मैम पंकित. पंक्ति लाइन. पंक्ति का आशय क्या है. हिलकर पानी पीते पंक्ति का आशय मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन. ओके मैम. लाइन पंक्ति LINE लाइन. ओके मैम. हुक्म मीन्स ऑर्डर. ऑर्डर. Ready है तो we can move to the next question. Yes ma'am. If it is clear. Yes ma'am. Yes ma'am. हमारे बहुत सारे question इस section से आए जाएगा. Third question से, because हमारा ये chapter एक question is very lengthy one. Question देखिए, बच्चों के ऊधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई. The question से प्रश्न पूछेगा.
उदम मचाने मीन्स उन काम करना इट्स ए मुहावरा इट्स ए इडियम उदम मचाना मीन्स बच्चों का काम करने से उदम मचाना मीन्स इट्स ए प्रयोग ओके मैम दुर्दशा दुर्दशा मीन्स बैड कंडीशन ओके बच्चों के उदम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई बच्चों को जब घर के कार्य करने के लिए कहा गया तो वे काम करने के लिए तैयार हो गए लेकिन उन्हें कुछ नहीं आता सेकंड पॉइंट सबसे पहले देरी साफ की गई जिससे इतनी धूल उड़ाई कि घर ही धूल से भर गया बाद में पानी डालने से धूल कीचड़ बन गई पेड़ों को पानी देने के लिए नल पर झगड़ा हुआ मुर्गियों को डब्बे में बंद करने की कोशिश की लेकिन सारी मुर्गियां घर में फैल गई बेड़ों को दाने का सूप दिया तो जैसे घर में तूफान आ गए बच्चों को दूध दुहने की सोची तो बैस चाचा जी को चापाई समझ लेकर भाग गया इस प्रकार बच्चों के उदम मचाने से घर की दुर्दशा थी प्लीज रीड बच्चों बच्चों के उदम मचाने के कारण घर की डैश हुई फ्रॉम द क्वेश्चन दुर्दशा हुई फ्रॉम द क्वेश्चन आल्सो मींस क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन विल कम बच्चों को डैश के कार्य करने के लिए कहा गया घर के कार्य वे डैश करने के लिए तैयार हो गए काम करने के लिए सबसे पहले बच्चे डैश साफ की गई डेरी सारे घर सारे घर डैश से भर गया धूल से धूल माने क्या है डस्ट डेरी में डैश डालने से धूल कीचड़ बन गई पानी डेरी में पानी डालने से डैश कीचड़ बन गई धूल दरी में पानी डालने से धूल डैश बन गई कीचड़ डैश को पानी देने के लिए नल पर झगड़ा हुआ पेड़ों को डैश देने के लिए नल पर झगड़ा हुआ पानी पेड़ों को पानी देने के लिए डैश पर झगड़ा हुआ नल पेड़ों को पानी देने के लिए नल पर डैश हुआ झगड़ा हुआ प्रकार देखना चाहिए ओके प्रकार देखना चाहिए क्वेश्चन डैश को डब्बे में बंद करने की कोशिश की मुर्गियों को डैश में बंद करने की कोशिश की डब्बे में सारी मुर्गियां डैश में फैल गई घर में डैश को वेट बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन डैश को दाने का सूप दिया गया पेड़ों को डैश का सूप दिया गया दाने पेड़ों को दाने का सूप देने से घर में डैश आ गया तूफान बच्चों ने डैश दुहने की सोची दूध डैश चाचा जी को चारपाई समेत लेकर भाग गई बस डैश को चारपाई समेत लेकर भाग गई चाचा जी को डैश समेत लेकर भाग गई ओके बच्चों इस प्रकार देखना चाहिए था और क्वेश्चन हाउ मेनी क्वेश्चन ओके हर एक लाइन देखना चाहिए ऑप्शंस भी देखना चाहिए अच्छी तरह ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए कोई डाउट है तो पूछिए बच्चों नो मैम ओके इसे क्लियर है तो वी कैन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट टाइम ओवर इसमें कोई डाउट है पूछिए बच्चों लास्ट फोर एंड कामचोर कहानी का संदेश क्या है कामचोर कहानी का ये संदेश देती है कि बच्चों में कुछ छोटे मोटे कार्यों को करने की आदत डालनी चाहिए न कि वह उन्हें पूर्णतः नौकरों पर निर्भर कर छोटे मोटे कार्य मीन स्मॉल जॉब्स मैम आदत डालनी चाहिए आदत मीन्स हैबिट आदत मीन्स हैबिट बच्चों में डैश कार्यों को करने की आदत डालनी चाहिए छोटे मोटे बच्चों को कुछ छोटे मोटे कार्य करने की डैश डालनी चाहिए
आदत डाली। द लास्ट क्वेश्चन, क्या बच्चों ने उचित दे, आपका जनरल क्वेश्चन है लास्ट वन, क्या यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स लाइक दैट क्वेश्चन, फिफ्थ वन, क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी नहीं पिएंगे, बच्चों ने न काम करने का निर्णय उचित नहीं लिया क्योंकि ऐसे तो वे कभी भी कोई काम करना सीख ना पाएंगे, तो बच्चों ने न काम करने का निर्णय डैश नहीं लिया उचित इस प्रकार देखना चाहिए। फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन रीड करो, फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ, कोई डाउट है तो पूछिए, कामचोर फुल चैप्टर में कोई डाउट है तो पूछिए, आपके पास नोट है तो रिटर्न नोट्स इज नीडेड, ओके रिटर्न नोट्स ना, कोई मोबाइल फोन में कोई लैपटॉप में देखकर नहीं पढ़िए, ठीक है। फर्स्ट वन क्या है, आप आपके हाथ से लिखे तो इट्स गुड, हैंड राइटिंग विल बी गुड, देन क्या है आपको वोकैबुलरी इंक्रीज करने के लिए, एंड द सेकंड थिंग इज इफ यू आर मोबाइल फोन देखकर पढ़ते हैं तो क्या है अंक आइस के लिए प्रॉब्लम, ओके तो इस प्रकार नहीं करना चाहिए, हैंड रिटन नोट इज कंपल्सरी। मैम फिनिश्ड, ओके कोई डाउट है तो पूछे बच्चों, एनी चैप्टर, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया और कामचोर और जहां पहिया, इसमें कोई डाउट है तो पूछना चाहिए, नाउ यू कैन आस्क और इवन यू आस्क। यस मैम, इन जहां पहिया है मैम, द वन क्वेश्चन इज राइट, हु व्हिच ऑल लेडीज आर लर्निंग टू राइड साइकिल मैम, इन दैट we have we will be getting like one or all together we have no not all together, maybe two or three you will get and one extra will be there maybe, so identify karna chahiye in mein se kaun si stri ya kin means kaun si aurat hai, kis prakar ki aurat hai cycle chalane mein nahi thi, okay to wo person ko wo striyon ko identify karna chahiye, okay means, दोबिन लोग इट्स नॉट द दोबिन एंड मींस क्या है कपड़ा ड्रेस करने वाले लोग राइट, वो साइकिल चलाने में है no, नहीं, तो इस प्रकार देखना चाहिए, एनीवे यू स्टडी सो यू विल गेट, ओके मैम, इसमें कौन सी स्त्री हम साइकिल चलाने के लिए आगे नहीं आई और या नहीं, इस पर हर एक क्वेश्चन देखना चाहिए, फ्रॉम एवरी क्वेश्चन एमसीक्यू विल बी देयर, मैंने कहा था ना शब्दार्थ विलोम आपके लिए नहीं है, शब्दार्थ देखना चाहिए इसका शब्दार्थ क्या है, इस प्रकार क्वेश्चन मिलते हैं, हमारा कामचोर का थर्ड क्वेश्चन अच्छी तरह से देखना चाहिए, कोई डाउट है बच्चों, नो मैम, इज इट क्लियर, यस मैम, कोई डाउट है तो क्या करूं मुझे, हाँ जस्ट मैसेज मी, ओके और जस्ट कॉल मी, नो नीड टू कॉल मी, जस्ट सेंड अ मैसेज, ओके मैम, इफ आई एम नॉट रेस्पोंडिंग यू जस्ट कॉल मी और जस्ट मिस कॉल एंड ऑल, ओके और जस्ट कॉल मी, ओके 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 बच्चों, कोई डाउट है तो पूछना चाहिए, ऑल द बेस्ट बच्चों, स्टडी वेल, ओके थैंक यू, बेटर राइट एंड स्टडी, ओके डू राइट एंड स्टडी हिंदी मैम, काम चोर एमसीक्यू, हां काम चोर, हां एमसीक्यू काम चोर इज देयर, आई मीन जहां पर ही है काम चोर चिट्ठियों के अनुटिक, आई एम नॉट दैट यू टोल्ड टू प्रिपेयर क्वेश्चंस, हां यू जस्ट सेंड टू मी मैंने कहा था ना सेंड टू मी MCQ questions, if you have prepared, please send to me. I will check it and Ma'am, last class I was not there, so I didn't. Last class it is Chittiyon Ki Anuthi Duniya we discussed, beta. So ek baat karo, read it. Koi doubt hai to puchiye. Okay. Yeah. Okay.